क्वेश्चन नंबर थ्री, हमें प्रूव करना है कि 2 sin इनवर्स 3 बाय 5 हमारा इक्वल होगा tan इनवर्स 24 अपॉन में 7 के। ठीक है, इसे करने से पहले एक बार ये देख लो, 2 tan इनवर्स x हमारा इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और इक्वल होता है sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और हमारा इक्वल होता है इसके। ठीक है, तो अभी रिक्वायरमेंट किसकी है, इसकी है, तीनों याद होना चाहिए आपको, तीनों नोट कर लो, कभी भी कोई सा भी काम आ सकता है। अभी फिलहाल इस साइड क्या है हमारा, tan इनवर्स है, तो हमें tan इनवर्स वाला यूज़ लेना है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है इक्वल दोनों, एक काम करते हैं, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस है, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड आर एच एस, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसे साइन इनवर्स 3/5 को 10 में चेंज कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे, काफ़ी आसान है, एक काम करो, रफ में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक काम करो कि साइन इनवर्स 3/5 को कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, क्या माने बताओ, x मान ले, तो मुझे क्या मिलेगा साइन x इज इक्वल टू 3/5, ये सर नो, साइन को इस साइड ले आओ, तो साइन x इज इक्वल टू 3/5, साइन होता क्या हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यस और नो। तो अब मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, मुझे टेन में चेंज करना है इसलिए, तो ये क्या है हमारा 3 परपेंडिकुलर है और अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5 हमारा हाइपोटेनियस है, तो ये 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 5 हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस क्या आएगा हमारा बताओ, सबको ये फॉर्मूला पता है ना कि हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, तो इसकी हेल्प से ये क्या आएगा हमारा 25 प्लस 9, या ऐसे बोलूँ अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 मतलब अंडर रूट 16 मतलब 4, ये आएगी वैल्यू। और हमें क्या निकालना था, 10 निकालना था, तो 10 निकालने के लिए 10x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, तो 3 अपॉन में 4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 को उस साइड ले जाओ, तो tan इनवर्स 3/4। ठीक है, समझ में आया, हमारे पास sin इनवर्स 3/5 था जिसको हमने x माना था, और हमारे पास नया x आ गया जो कि tan की फॉर्म में है, tan इनवर्स 3/4, सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, बस आपको ये छोटी सी बात क्लास 6-7 की होगी, पता ही रहती है सबको ये बात, तो और सॉल्व कर लो, और हमने 10 में चेंज कर लिया। ठीक है, तो मैं एल एच एस की बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो हमारा 2 क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स 3/5 हमारा इक्वल होगा टेन इनवर्स 3/4 के, तो इसे मैं लिखने वाला हूँ 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है इसलिए 2 लिखा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये है हमारी, तो 2 tan इनवर्स 3/4, एक ही बात है ना। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, हम ये हमारा किसके इक्वल होगा, 2 tan इनवर्स x हमारा इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस साइड क्या है, tan है, 2 नहीं है, तो 2 वाला था यहाँ पे, 2 tan इनवर्स x था, इसे हम सिंपल tan में चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, तो हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स 2x, x क्या हमारा 3 अपॉन में 4, तो 2 इंटू में 3 अपॉन में 4 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स हमारा 3 अपॉन 4 है, मतलब 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व कर लो इसे, 2 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे, और क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर मिलेगा हमें 3/2, और नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, तो 1 माइनस 9/16 एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 16 माइनस 9 7, 7 अपॉन में 16 आ जाएगा हमारे पास नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसे और सॉल्व कर लो। अच्छा ये बात बताओ मुझे, ये तो पता है ना सबको कि अगर यहाँ ले दूँ a अपॉन में b के डिवाइड में c अपॉन में d होगा, तो उसे आप ले सकते हो a अपॉन में b, जो डिवाइड में होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब और मल्टीप्लाई कर दो इनटू डी अपॉन में सी। ठीक है, क्लास 4-5 का होगा ये, तो ये यूज़ कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स 3/2 इनटू में 16 अपॉन में 7, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 2 से 16 कैंसिल 8 आएगा,
टेन इनवर्स 8 3 24 24 अपॉन में नीचे क्या है 7 7। तो मतलब हमारा ये क्या है, ये हमारा LHS है जो कि इक्वल आ गया RHS के, है ना। हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया हमने, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, डन, सिंपल यही करना था हमें। और आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसे नोट कर लो अच्छे से, ठीक है।